और इसी बीच बड़ी खबर जांजगीर चांपा से है। बता दें आपको, बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। बीजेपी महिला मोर्चा ने किया है कोतवाली थाने का घेराव। महिला मोर्चा और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई है। महिला मोर्चा के 8 पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। FIR का विरोध हो रहा है। 40 अन्य के खिलाफ दर्ज FIR का भी विरोध हो रहा है। 25 मई को शराबबंदी को लेकर चक्का जाम किया था। बिना अनुमति लिए नेशनल हाईवे 49 पर चक्का जाम किया गया था। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। जांजगीर चांपा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल हुआ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने कोतवाली थाने का घेराव किया है। महिला मोर्चा और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई है। आप चेत जाओ, इस तरह से कोई भी गलत काम मत करना, और नहीं तो हम भी बदला लेंगे। ध्यान रखना, मैं पूरे प्रशासन को चेताना चाहता हूं, हमारे नैतिक अधिकार है आंदोलन करना। हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास मत करना। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, महिला मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा का यह प्रदर्शन देखने को मिला, हल्ला बोल देखने को मिला, कोतवाली का घेराव भी किया है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी देखिए, 25 मई को पूर्ण शराबबंदी को लेकर के बीजेपी ने एक चक्का जाम किया था और NH 49 पर ये पूरा प्रदर्शन हुआ था। BTI चौक के पास प्रदर्शन किया गया था और इसी प्रदर्शन को लेकर के बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी, लगभग 6 पदाधिकारी से 40 लोगों पर के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और इसी FIR के खिलाफ आज जो है कोतवाली थाने का घेराव करने के लिए निकले थे। और इस बीच जमकर पुलिस और महिला कार्यकर्ता है जो आंदोलनकारी है उनके बीच झूमाझटकी हुई है। कोतवाली थाने से पहले महिला मोर्चा और प्रशासन ने पुलिस उन्हें रोकने का जो काम है वो कर रही थी, बैरिकेटिंग भी लगाया गया था और इसी बीच झूमाझटकी हुई है। और दरअसल ये पूरा विवाद इसीलिए हो रहा है कि शराबबंदी को लेकर के महिला मोर्चा लगातार प्रदर्शन करते रही है प्रदेश भर में। जब जांजगीर में प्रदर्शन हो रहा था तो इस दौरान जो है प्रदर्शन को लेकर के रास्ता रोकने, तमाम आम जनता को असुविधा होने को लेकर के FIR दर्ज किया गया था और उसी के विरोध में आज बीजेपी महिला मोर्चा ने बड़ा प्रदर्शन किया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए।